नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं मैं आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। और आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक दोस्त ने भेजी है और इस कहानी ने मेरी सोच बदल दी और कल से अपने आप को टाइम ज़रूर दूंगी, शायद आपकी सोच भी ये कहानी बदल दे, वरना ज़िंदगी भागती हुई सिर्फ काम के पीछे भाग रही है। आज रमेश अपने कॉलेज की कुछ बुक्स को खोल रहा था और बुक्स खोलते खोलते उसके हाथ में एक गुलाब का फूल आया। उसे अपने एक दोस्त की याद आई जिसका नाम रचना था। उसने सोचा रचना को जो है कितना अच्छी दोस्ती थी, कितना अच्छा सब कुछ था, रचना को मैं कॉल करता हूँ। और शादियाँ होने के बाद हम एक दूसरे से किसी भी तरह से संपर्क में नहीं रहे, बहुत साल हो गए हैं, कुछ टाइम एक दूसरे के साथ रहकर फिर अलग हो गए हैं, जबकि हमने कॉलेज में बहुत अच्छा टाइम साथ में बिताया था। इतना सोचकर उसने रचना को कॉल किया तो दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठाया और बोला रचना कहाँ है, कैन आई टॉक टू रचना। तो आगे से आवाज़ आई, रचना अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और कल ही उनकी मृत्यु हो गई है। ये बात बहुत शॉकिंग थी उसके लिए क्योंकि उसने दो दिन पहले ही रचना से जो है अपने फेसबुक पर चैटिंग की थी, बात की थी, और अब सडन अगर उसको कोई कहे कि तुम्हारी दोस्त नहीं रही तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। सडन उसने सोचा कि ये कैसे हो गया, उसने सोचा क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर दोस्त को याद किया, भूल गया। 6 महीने बीते, 6 महीने बाद दोस्तों की कहीं पर पार्टी थी, दोस्तों की पार्टी में फिर से रचना का जिक्र आया। गाड़ी में बैठा तो उसने सोचा कि मैंने एक बार भी उसके बच्चों को या पति को नहीं पूछा है वो अपने परिवार के लिए कितना करती थी, कितना ध्यान रखती थी। उसके घर में बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, 3 बच्चे हैं, 1 स्कूल जाता है, 2 कॉलेज जाते हैं, पति है, घर बार खाना, बूढ़े माँ बाप, कौन देख रहा होगा। मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं अपने दोस्त के पति को एक बार कॉल करूँ। ये सोचकर उसने उसके हस्बैंड को कॉल किया, रचना के हस्बैंड ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन पलट कर 1 घंटे बाद फ़ोन वापस आया और आवाज़ आई, कैसे हैं जी, मैं ठीक हूँ, आप सॉरी मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया रचना, एक्चुअली मैं टेनिस खेल रहा था दोस्तों के साथ, तो उस टाइम पर गपशप होती है, गप्पे मारी जाती हैं, तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। इधर मैं बड़ा परेशान था, चुप था, मैंने कहा कैसा चल रहा है, तो बोले सब सही चल रहा है, घर बार खाना, खाने के लिए 24 आवर्स की कुक रख ली है, माँ बाप बुज़ुर्ग हैं उन्हें कौन देखता है, तो एक केयर टेकर रख ली है, पापा मम्मी का केयर टेक करती है, उन्हें नहलाती भी है और पार्क में जब चाहे घुमाने भी ले जाती है, ज़िंदगी सही चल रही है। 2 बच्चे ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं और 1 बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए एक नैनी रख दी है जो उसका ध्यान रखती है, यानी कि एक आया रखती है। मैं चुप था, स्तंभ था, मैं कुछ नहीं बोला, ज़्यादा बात नहीं हो पाई, फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैं सोचने लगा ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना, एक बार हमारा स्कूल का जो है फेवरल हो रहा था, तब रचना ने अपने बारे में माइक पे खड़े होकर बहुत कुछ बताया था, मैं बनूंगी, मैं बहुत कुछ करूंगी, मैं देश समाज के लिए कुछ करूंगी, राजनीति में अपना करियर बनाऊंगी, लेकिन शादी होने के बाद उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। जब हमारे कॉलेज में रीयूनियन हुई, जब तक रचना की शादी हो चुकी थी, रचना को सभी फ्रेंड्स ने फ़ोन कर बुलाया तो उसने बोला नहीं यार ये सब तो होता रहेगा, सास ससुर को छोड़कर नहीं आ सकती। एक बार मेरी शादी का कार्ड लेकर मैं उसके घर गया तो उससे कहा आना, तो उसने कहा नहीं दोस्त, घर में ना मरम्मत हो रही है, हस्बैंड पूरा घर तोड़कर दोबारा बनवा रहे हैं, मैं ये सब जिम्मेदारियाँ छोड़कर नहीं आ पाऊँगी। आज उसके जाने के बाद जो मेड हस्बैंड उसके होते हुए भी रख सकते थे, उन्होंने अपने माता पिता के लिए कोई केयर टेकर नहीं रखी, बच्चों के लिए 24 आवर मेड नहीं रखी और आज उसके घर को 3-3 नौकर चला रहे हैं। ये कहानी उनके लिए, ये उन महिलाओं के लिए जिन्हें लगता है मैं मायके चली गई तो बच्चों का क्या होगा, इन्हें खाना कौन देगा, सास ससुर को दवाई कौन देगा। तो ज़िंदगी हमेशा चलती रहेगी दोस्त, और आपके मरने के बाद किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा, कोई आपके बारे में याद भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं, आपका नाम भी नहीं लेगा। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, इसके हर पल को जिए, हर पल पॉजिटिव सोचे, अपने लिए समय निकाले, अपने से पहले किसी को प्यार ना करें, वरना ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने आप से ईमानदार नहीं है तो किसी से भी ईमानदार नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि अपने परिवार की केयर करना छोड़ दीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि अपनी केयर करना शुरू कर दीजिए, अपने पर टाइम दीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए, अपने को समय दीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और जो गलती रचना ने की, हम में से बहुत सी महिलाएं कर रही हैं, और मैं दूसरे को क्या बोलूं, मैं तो खुद ये गलती कर रही हूं, काम काम काम, वीडियो शूट्स, क्लाइंट्स, और कहीं ना कहीं पर हर वक्त इंस्टाग्राम, 5 मिनट स्टोरी, बिलीव इन कर्मा, और आप लोगों के साथ बात करना, आज ग्रहण है, आज ये है, मैं खुद को ही समय नहीं दे पाती हूं। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद, ये कहानी मैंने आपसे पहले देव को सुनाई और मैंने देव से कहा आज अभी इस वक्त से आई प्रॉमिस आई विल गिव माई सेल्फ 1 घंटा मैं वॉक ज़रूर करूँगी और अपने आप को समय दूंगी। फिलहाल कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और ये कहानी अपने नियर एंड डियर और ख़ासकर मेहनती महिलाओं के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, शायद किसी की बंद आँखें खुल जाए। थैंक यू।